घनश्याम दास बिड़ला। भारत के प्रख्यात उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बिजनेस कैरियर की शुरुआत शून्य से की थी और उनकी मृत्यु के समय बिड़ला ग्रुप में 200 कंपनियां थी जिनके पास 2500 करोड़ की संपत्ति थी। बिड़ला ने अपने बिजनेस कैरियर की शुरुआत जूट ब्रोकर के रूप में की थी। वे अपने भाई के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे, उसी कमरे में सोते थे, खाना बनाते थे तथा कपड़े धोते थे। बिड़ला 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े थे, परंतु उनके मन में आग थी और सफल उद्योगपति बनने का जज्बा था। उस जमाने में जूट के व्यवसाय में अंग्रेजों का एकाधिकार था और बिड़ला इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। इस प्रयास में बिड़ला को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जूट का व्यवसाय करने के लिए उन्हें बैंकों ने लोन देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, अच्छी जमीन खरीदने की राह में भी अंग्रेजों ने रोड़े अटकाए, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जूट के व्यवसाय में कोई हिंदुस्तानी उनका प्रतिद्वंदी बने। बिड़ला ने अपनी मिल शुरू करने के लिए जो विदेशी मशीनें बुलवाई थी, रुपए का भाव गिरने के कारण उनकी कीमत लगभग दुगुनी हो गई थी। इसलिए बिड़ला सारी मुसीबतों से जूझते हुए भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। जूट का बिजनेस शुरू करने के बाद उन्होंने बहुत सी कंपनियां स्थापित की। बिड़ला इतनी आगे की सोचते थे कि जब वे कोई नई मशीन बाहर से बुलवाते थे तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी साथ में ही बुलवा लेते थे ताकि मशीन खराब होने पर काम न रुके। घनश्याम दास बिड़ला न सिर्फ महान उद्योगपति थे बल्कि महान परोपकारी भी थे। उन्होंने कई मंदिर तथा ट्रस्ट बनवाए। पिलानी में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बनवाया, बंबई में अस्पताल बनवाया और देश भर में स्कूल कॉलेज बनवाई। यह कहानी आपको सफलता 101 पुस्तक से सुनाई जा रही है जो डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने लिखी है। धन्यवाद।